तस्वीरों में देखिए स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की तस्वीर लगाई गई है, बड़ी सी तस्वीर है। यहाँ पे हर कोई आकर के फूल का माल्य अर्पण कर रहे हैं। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी रखा गया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज 12 सितंबर है और आज रामविलास पासवान की बरसी मनाई जा रही है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है। यहीं पे तमाम लोग आकर के स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती मनाएंगे और पूजा पाठ भी शुरू हो चुका है, मंत्रोच्चारण भी हो रहा है। आप तस्वीरों में देखें कि किस तरह से रामविलास पासवान की जयंती मनाई जा रही है। पूरा तैयारियां हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी है, सुरक्षा के चाक चौबंद हैं। हुलास पांडे जो कि संसदीय कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तस्वीर में आपको दिख रहा है हुलास पांडे तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, तमाम बातें हो रही है। कौन कौन से वरिष्ठ नेता होंगे, कौन कौन से मंत्री होंगे बिहार के, वो जो आएंगे लगातार हम आपको बताएंगे। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, लोग आ रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्पमाला अर्पित कर रहे हैं, लोग आ करके पूजा में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से कई दिनों से तैयारियां चल रही थी, हम आपको तस्वीर के माध्यम से हमने दिखाया कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती को किस तरह से मनाया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं। बिहार पुलिस के जवान भी तैनात हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद हैं और ये रास्ता है ये जहां से लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तमाम लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, तमाम लोग आ करके अपने चहेते नेता को याद कर रहे हैं, फूल पुष्प अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कई करीबी नेता आए हुए हैं, इनसे मुलाकात करने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। चिराग पासवान कब नीचे आते हैं ये देखने वाली बात होगी। देखिए मंत्रोच्चारण भी हो रहा है, पूजा सामग्री तैयार हो चुकी है, बस कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में चिराग पासवान नीचे आएंगे और अपने पापा यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के फोटो पर पुष्प अर्पित करेंगे। आप तस्वीरों में तमाम तैयारियां देख रहे हैं। ये आवास है पटना का, अब यहाँ पे चिराग जब दिल्ली से आते हैं तो रहते हैं। रामविलास पासवान का ये आवास है, एसकेपुरी पार्क में स्थित है। तैयारियां अब लगभग पूरी हो गई है और कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ये देखिए इस मंच से, ये मंच है जहां से कार्यक्रम किया जाएगा। तस्वीरों में देखिए लोग लाइन से बैठे हुए हैं। तो आपने देखा कि रामविलास पासवान की बरसी का आयोजन जो हो रहा है वो शुरू हो गई है। लगभग 10 बजे से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया था, लोग आने लगे हैं, पूरी व्यवस्था की गई है। अब बस कुछ ही देर में चिराग पासवान बाहर यानी कि अपने घर से निकलने वाले हैं। हम कुछ लोगों से बात करके आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टिकोण से देखे, या फिर चिराग पासवान जो लगातार अपने पिता को याद करते हैं, बिहार की राजनीति में जो एक शून्य बना है, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपने चिट्ठी में भी व्यक्त कर चुके हैं कि एक शून्य है जो कि रामविलास पासवान के रूप में हुई है, इसको कोई पूरा नहीं कर सकता है। इसी तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े चलते हैं, फिर मिलेंगे जल्दी ही।
आप हमारे साथ बने रहिए, कहीं जाइएगा मत, पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। देखते रहें दंडयाटा।